शेखर, जा रहे हो मुझसे बिना मिले? मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? सुना अच्छा दिया तुम्हारी, मुझे एकदम भूल गए, मुझे देखना नहीं चाहते, मुझसे मिलना नहीं चाहते, और मुझे छूना तो चाह। शर्म नहीं आती तुम्हें? शादीशुदा होते हुए ऐसी बातें करती हो? शादीशुदा हूं इसीलिए तो, न शर्म है न डर, मुझे तो बस। स्टॉप इट लोलिता, मैं गिरीश नहीं हूं, खूब समझता हूं तुम्हारी असलियत क्या है। क्या है मेरी असलियत बताओ? मासूम पतिव्रता होने का ढोंग करने वाली एक बेशरम और बेवफा औरत। That's what you are. ये धुन तुमने बनाई? नहीं टैगोर की है स्टुपिड। ये कोयल, ये कौन है? ये तो ललिता दीदी है, पता ही शिखर था, इसके मम्मी पापा कार एक्सीडेंट में मर गए और आज से ये हमारे साथ रहेगी। ए कोयल इधर आ, जा ज्योतिका ने तेरे लिए अचार रखा है, इमली वाला। इमली का? ललिता तू भी चखा ले। नहीं मैं अचार नहीं खाती। ठीक है। ललिता दी ने साड़ी पहनी है। Not bad. ललिता, क्या हुआ? First आई हूँ मैं। First? ऊपर आ ऊपर। आती हूँ। बोल, क्या चाहिए तुझे? कृष्ण जी की एक छोटी सी मूर्ति, वहाँ के लिए। अरे, मेरे कमरे के लिए? तो? अरे क्या कर रही हो, जल जाओगी। तुम भी तो जल जाओगे। ए ललिता। हाँ। ऊपर आना, सुनना क्या धुन बनाई है मैंने। थोड़ी देर में आती हूँ, घर तो जाके आने दो। अरे आप भी है ना गुरुचरण बाबू। इतनी बड़ी हवेली के मालिक हैं। अरे रुपयों के खजाने पर बैठे हैं आप। ऐसा कीजिए, इस हवेली को बेच डालिए और एक छोटा मोटा घर ले लीजिए। तो बा? क्या कह रहे हैं मिश्रा जी आप? मेरे दादाजी जब राय बहादुर बने ना, तो बड़ी शान से उन्होंने हवेली बनवाई थी, दूर से दिखाई देती थी। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते बिटिया। और मिश्रा जी, वैसे भी ये हवेली गिरवी है। गिरवी है? कब से? वो 3 साल पहले मुझे हार्ट अटैक आया था ना, नवीन बाबू ने आकर आपकी भाभी के हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए थे। पर ये हवेली तो कम से कम 20-22 लाख की होगी ना। वो क्या है, नवीन भाई साहब आदमी सज्जन है, पर हैं तो व्यापारी ना। सूद बढ़ते बढ़ते रकम जब 1.5 लाख हो गई तो मुझे हवेली गिरवी रखनी पड़ी। पर मिश्रा जी, 30 नवंबर तक अगर मैंने रुपए न चुका है, मैं जबान दे चुका हूँ, किसी तरह से मेरी नौकरी के एक्सटेंशन का कर दीजिए प्लीज। जॉन साहब ने एक बार बोल दिया जॉब ओवर, तो मतलब
नौकरी गई। आपका हिसाब पूरा करके भेज चुके हैं। ये लीजिए पूरे 10,809 रुपए। अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं नहीं अब रोकिएगा नहीं, प्लीज। थैंक यू ऑल द बेस्ट। ललिता ललिता पिछले महीने तो माँ वहाँ गए थे ना। माँ मैं वहीं से आ गई थी। अरे क्या है, आई क्यों नहीं अभी तक ललिता? आ जाएगी ना यार। इसकी नौकरी किस बेवकूफ ने लगवाई? जब देखो ऑफिस जा रही है या ऑफिस से लौट रही है। अच्छा मैं फोन लगती। अच्छा मैं लगती हूँ। अरे तूने ही तो लगवाई थी उसकी नौकरी बाबा से कह के। ललिता देखा ना शेखर बुला रहा। बाद में बताऊंगी। बाद में कैसे, कल ही तो केक बनाना है ना। अच्छा बोलो मैं लिखती हूँ। कोयल तू भी ना पीछे ही पड़ जाती है। उफ़ो, एक तो पता नहीं कौन सा केक बना दिया चारों के बर्थडे पर कि सुनीता भाभी को वही रेसिपी चाहिए। अभी बोलो ललिता। देखा मैदा कितना? 200 ग्राम। ये शेखर भी ना एक बार धुन दिमाग में आ जाए जरा भी इंतजार नहीं। हाँ हाँ आगे बोलो। आगे क्या, फौरन जाना पड़ता है वरना। दीदी मैं रेसिपी की बात कर रही हूँ, बताओ ना। चॉकलेट पाउडर के बाद वनीला एसेंस 1 चम्मच, मक्खन 200 ग्राम उफलाई बैठा होगा। ललिता मैं चलती हूँ। दीदी केक, दीदी दीदी अंडे भी तो पड़ते हैं ना। किस में? तेरे सर में। तू जा भी। शेखर 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 इतनी महंगी पेन, सारी तनख्वाह खर्च कर डाली, बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना। अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे। हाँ 100 लिए हैं। तो मुझे क्यों बता रही हो? पेन दिया है, हिसाब रख लेना। पागल हो गई हो क्या? हिसाब किताब और मैं? सारा खेल ही हिसाब किताब का है। जो कंसेशन हमें मिल रहा है वही तो हमारा मुनाफा है। यू कांट गिव इट अवे टू दोस पीपल। मगर अंकल मेरा मतलब है सर, शिवम चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इनसे मुनाफा कमाना तो जरूरी है। हॉस्पिटल चैरिटेबल है मेरा बिजनेस नहीं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, जहां मुनाफा ना हो वहां बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। समझे कि नहीं? हेलो राजेश्वरी। हाँ बोलो। सुबह कह तो दिया था कि आज शाम को ही जाना है। क्या शादी शेखर की है या मेरी? लड़की देखना नहीं चाहता, कुछ सोचा भी है उसने आगे का? देखो ऐसा रिश्ता रोज रोज नहीं आएगा। लाला श्यामलाल तांतिया की बेटी है गायत्री। बस राजेश्वरी उसे कह दो कि शाम को तैयार रहे। और सुनो तुम भी, नहीं छोड़ो जाने दो। लड़की देखना नहीं चाहता। हाँ तो कहाँ था मैं? जहां मुनाफा ना हो वहां बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आप बेकार ही फिक्र कर रहे हैं। कुछ कहा है क्या नवीन भाई साहब ने? मांगा है क्या कुछ? अरे नहीं मांगा, तभी तो अचानक मांग बैठे, तो चुका पाएंगे क्या हम? तो मीना वसुंधरा बिल्कुल। वैसे तो इतने भले आदमी हैं नवीन भाई साहब, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? और फिर बरसों से घर जैसा रिश्ता है हमारा उनके साथ। दादा जरा दूर जाना है। आओ तुम भी आओ। क्या हुआ दादा, कोई परेशानी है? नहीं कुछ नहीं, बैठो बैठो। नहीं मैं बैठो बैठो। निमाई इस बार ढाकी जरा कम चाहिए। क्या 3 काफी होंगे? क्या कर रहे हैं दादा, जिस मंडप की आरती को देखने पूरा मोहल्ला आता है। वो तो ठीक है निमाई, लेकिन इस वक्त हाथ थोड़ा तंग है। अरे इसका इंतजाम तो रायवाड़ी के माँ ने कर दिया है। हा? कहा है कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पैसा भी एडवांस में दे दिया है। क्या राजेश्वरी दीदी ने पहले ही से पैसे दे दिए? हाँ। देखा आप तो बेकार ही चिंता करते रहते हैं। नमस्ते निमाई काका। नमस्ते। आगे ललिता, वो रघु काका तुझे बुलाने आए। हाँ। अच्छा सुना है तेरी नौकरी लग गई है बिटिया। हाँ काका इस बार पूजा में धोती लूंगा। हाँ जरूर। तो चलूं मैं? अच्छा देखा ये तो कमाल हो गया, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए। मैं क्या देखूं, आप ही देखिए। अरे ललिता आज ये मुंह हाथ धोना, जरा जल्दी जल्दी निपटा ले। क्यों क्या हुआ?
कुछ हो ही तो नहीं रहा है ना, तुम्हारे बिना तो लगता है सारा कलकत्ता ही जैसे रुक जाएगा। आ, लड़की दीदी आई है क्या? ये लो। अब इसे क्या हुआ? हुआ नहीं ना, उनका केक। चारू पहले ही से 10 बार आ चुकी है, इधर रघु काका आके 20 बार बुला गए हैं कि शेखर तैयार नहीं हो रहा है। तुम कहो तो 2 टुकड़े कर लो अपने। 2 नहीं 3, एक मुझे भी चाहिए ना, मैं तो मर ही जाऊंगी तेरे बिना। 3 नहीं 4, अभी तो एक ही सख्त जरूरत सुनीता भाभी को है। अरे अरे ना 5, तेरे मामा जी भी तो मर जाएंगे ना तेरे बगैर। 5 नहीं 6, मैं भी। ओहो, हम तो शेखर को भूल ही गए। बड़ी माँ, ऊपर मौसम कितना खराब है, पारा चढ़ा हुआ है। ए, खासनी, जाना हुए। लड़की देखने जाना है और साहबजादे अभी तक पियानो बजा रहे हैं। जा जल्दी से तैयार करवाना, वरना तेरे अंकल तो। और आज इतनी देर से क्यों आई तू? 15 मिनट ही तो देर हुई है बड़ी माँ। अरे तो 1 मिनट भी देर से आती है ना तो इस घर का सारा काम रुक जाता है। चल अब जा भी। ललिता बिटिया जिस घर में जाएगी उजाला कर देगी। हाँ, ललिता तो ऐसे घर में जाएगी जहाँ उसके गुणों की कद्र होगी, ऐसे घर में नहीं जहाँ मालकिन सिर्फ नाम की होगी। तैयार नहीं हुए? लड़की देखने नहीं जाओगे? I could die. ढिंडोरा पिटिया शहर में, मुझे नहीं जाना लड़की वड़की देखने। बाबा बिना हर चीज में मनमानी करते हैं। नवीन अंकल। ओ ग्रो अप ललिता, इट्स नॉट इवन फनी। चलो एक शर्ट निकाल दो मेरे लिए प्लीज, मेरे पास एक भी ढंग की शर्ट नहीं। इतने नखरे हैं ना, ये लो। अरे ये शर्ट मैंने कब खरीदी? तुमने नहीं, नवीन अंकल ने, पिछली बार लंदन से लेकर आए थे। कमाल है, मेरे पास इतनी अच्छी शर्ट है और मुझे पता भी नहीं। तुम्हारे पास ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें पता नहीं। ए नवीन अंकल। नॉट अगेन ललिता। शेखर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जी बाबा, आई एम रेडी, आई एम रेडी। चलिए चलो जल्दी करो। जाओ। व्हाट? शेखर कमिंग बाबा।